नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं डीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ की आई नजर। डालते हैं आज की खबर पे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को पूरे देश में इस समय अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं आज देवरिया में एक यज्ञ के कलश यात्रा में तिरंगा लहराया गया, तो वहीं शहीदों को हजारों की संख्या में लोगों ने नमन किया और अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना किया कि देश में एकता बनी रहे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव का कहना था कि सबसे पहले तो यह शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और यह जागरण अभियान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह सनातन धर्म का ध्वज है, आगे बढ़ता रहे यही प्रयास रहेगा। जब तक धर्म के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तब तक यह जन जागरण होता रहेगा। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और ये जन जागरण अभियान है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और देश के प्रति समर्पित लोगों की भावना का प्रतीक है। और सभी लोग, क्षेत्र के वासी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबका अपार सहयोग मिला हुआ है। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। और यह सनातन धर्म के एक प्रतीक के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का ध्वज आगे बढ़ता रहे, उसके लिए ये जन जागरण अभियान चलाया गया है। इसके बारे में तो यही है कि भाई जनता की भावनाओं को आगे रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ है उनके बारे में। और ये धर्म के प्रति जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी ना, तब तक ये रुकेगा नहीं। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए डीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।